बोलना, क्या समस्या लेके आए हो, आपकी क्या समस्या है? सर, हमारे फुफेरे भाई से तीन साल पहले से शादी तय थी। हाँ। और इसके उपरांत वो हमें जहाँ तहाँ घुमाता रहा और अब हमारे लिए पीलीभीत ले गए, वहाँ पे नशीला पदार्थ खिला के हमारे साथ जबरदस्ती की। और सर, वो उनसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। कहाँ का वासी आपका रिश्तेदार है? वो पीलीभीत नागूण का, विराम नागूण का। अच्छा, तो आपके साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाए थे? हाँ, कई बार बनाए थे सर। अच्छा, अभी क्या कहता है? आप कह रहे हैं मैं तुझसे शादी किसी हार लाद में नहीं करूंगा। रात में तीन बारी गाड़ी मिल रही है, रुपया मिल रहा हुआ नगद। तो यहाँ पे आप जब पुलिस के पास आए तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं करा सकते उससे। अच्छा। हाँ। और उसे थाने से भगा दिए, उसे शाम रिश्वत लेके थाने से भगा दिए। अच्छा, क्या मामला है आप बताइए, पूरी घटनाक्रम क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? सर, यही है, हम हमारी बेटी दुकान में बैठती थी, हमारे गाय की दुकान चलाती है, कपड़े की दुकान थी साहब। अच्छा, नहीं नवाबगंज में। अच्छा, तो हमारे पीछे आता था वो। हाँ, हमारे मम्मेरे बहनों की लड़का था वो। कहाँ का वासी है? जे पीलीभीत नागूण का। अच्छा, तो इसे ले गया पटापटू के, वहाँ से नशा दे दिया और इसके संग से संबंध बनाए। फिर बात उड़ी तो बोले ठीक है तुम यही निपटा लो, हम शादी कर लेंगे कहता रहा। और फिर बाद में आके इसने अब दूसरी जगह शादी तय कर ली साहब। अच्छा, ये रात तो छोड़ाइए, कल लाए थोड़ी बहुत देर को, उसे बुला लिया, उसके बाद रुपये लेके छोड़। अच्छा, कौन से थाने में लेकर आए थे? यही थाने नवाबगंज में। जब इसके साथ संबंध बनाए थे उसने, तो इसको नशा दिया गया था? नशाबंदी से हुआ है? नहीं, नशा दी गया। उसके बाद में ये कहता तेरे भैया को मार दूंगा, जब मतलब नशे वाली घटना कब की है? ये नए साल बारह दिन कब की है? नए साल वाले दिन। हाँ, नहीं इसी साल। तो आज आपने तय, इतने दिनों के बाद पुलिस के पास क्यों आए? कहता था कि उससे क्या बोलते, परेशान ना हो, शादी कर लेंगे, शादी तुझसे ही करूंगा। मैं हमसे भी हाँ करी, दीदी की शादी थी 25 फरवरी को, इसके बाद मामा जी से खुद कहूंगा, ये कहता था। हाँ, तो वो आपका रिश्तेदार लगता है क्या? जी, वो हमारा फुफेरा भाई है। ठीक, मेरी बहन की दूर के हैं थोड़े। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे थे आप बताइए? जी बस यही कह रहे हैं, और क्या, हमारी बेटी को इंसान मिलना चाहिए। कहाँ शिकायत की? शिकायत अभी तो साहब यहाँ करिए साहब, कल थाने में करी थी, उमार सुनवाई नहीं। साहब की कोई बात हुई? हाँ, जी बेटी की बात हुई, बोले हम शादी नहीं करा सकते तुम्हारी, हम जांच करके फिर बताएंगे। आप रहने वाले कहाँ के? हम यहाँ के। उसने गलत काम किया है, इस संबंध में क्या कार्रवाई चल रही है? इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है, उसकी जाँच करके निर्देशित कार्रवाई करें। उनके साथ में शोषण कर रहा था, सारे में शोषण कर रहा था। अब ये जांच का विषय, जांच में देखिए जो भी चीज़ आएंगी वो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।